जुनिपर एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातु दशम्बिन तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। मुस्लिम समुदायको धर्म सांस्कृतिक वेशभूषा रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगामे मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जाउल हक उपस्थित भएको छु। यो प्रोग्राम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ मदिना नुरी मस्जिदका प्रमुख हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नसरुद्दिन अन्सारी साहबलाई। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। अपने स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया जी। और खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मौला साहब, आपकी फरागत वगैरह कितना अर्सा हो गया, कहाँ से किया आपने फरागत? अब बेफजलि ताला 1992 में मेरी फरागत अल जामतुल इस्लामिया कस्बा रौनाही ज़िला फैज़ाबाद में जी। माशाल्लाह। मौला साहब, मुहर्रम अल हराम का महीना शुरू हो गया है जी, तो आज का मौजू हमने इसी हवाले से मुहर्रम अल हराम के ही उसमें हम लोग गुफ्तगू करें जी। तो मुबारक महीना भी है, साहत वाली महीना है, शहीदाने करबला का जो एक मुबारक महीना है ये जी। तो इसकी अजमतें रिफातें इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे आपसे। तो मौलाना साहब, सबसे पहले अभी दो दिन पहले ही 1443 सिनी हिजरी की शुरुआत हुई जी, तो ये सिनी हिजरी कब से शुरुआत हुआ मौलाना साहब? अल्लाह का शुक्र है कि हिजरी महीना की शुरुआत जो है मेरे प्यारे प्यारे अका मीठे मीठे मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मक्का से मदीना हिजरत करना हुआ जी, जब मक्का शरीफ से आप मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो उसी तारीख से जो है हिजरत की तारीख का आगाज़ हुआ। अच्छा। हालांकि इससे इसमें जो महीना इस्तेमाल होते हैं उनका इस्तेमाल इस्लाम से पहले भी था जी। जैसे कि जिसमें मुहर्रम पहला महीना जी, चूँकि ये कमरी तकवीम है लिहाजा इसका हर महीना चांद देखकर शुरू होता है जी, और इब्तिदाए इस्लाम में मुसलमानों में उमूमी तौर पर जी तारीख नवेसी का दस्तूर जी राइज नहीं था जी। लिहाजा लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में इस्लामी तकवीम का इजरा हजरत अबू मूसा अशारी जी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे पर किया गया जी। तो तारीख लिखना ये हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत से शुरू हुआ है, और जो तारीख शुरू हुई है यह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबा शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत करने के बाद से ही यह तारीख शुरू हुई है। ये सिनी हिजरी। सिनी हिजरी। अच्छा, ये हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत से यह सिनी हिजरी शुरू हुई है जी। तो ये अय्याम आशूरा जो 10 दिन अभी शुरुआत है जी, तो अब इसमें कौन कौन से वाकयात पेश नज़र आई है मौलाना साहब? अब इसमें बेशुमार वाकयात हैं जिनका जिक्र जो है थोड़े से लम्हे में तो नामुमकिन है जी, लेकिन बहरकैफ हम नाम कुछ का नाम हम जिक्र कर रहे हैं कि हिजरी सने हिजरी के बाद जो वाकयात पेश आए जैसे मस्जिद कुबा का बनना, मस्जिदुल जुमा का बनना, मस्जिद नबी की तामीर, अजान की इब्तिदा, किबला की तब्दीली जी, और बेशुमार गजवात जैसे कि गजवे अबुआ, गजवे बुआत, गजवे सुफान, गजवे ज़िलशीरा और जंगे बदर, गजवे सबीक, जंगे वहद और गजे बनू नजीर जी,
और जंग खैबर, जंग हुनैन, जंग उतास, जंग तबूक, ये तमाम तरीके से जो वाकयात हैं, अब एक चीज़ पर अगर जिक्र किया जाए तो काफ़ी अरसा, काफ़ी टाइम गुजरेगा। ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं ये सब जो है हिजरी के बाद है। जी जी, ये शहीदाने कर्बला का जो वाकया हुआ इसके हवाले से मतलब ये 10 दिन के अंदर क्या मतलब प्रमुख क्या है जो जाना जाता है? अब कर्बला की जंग जो है ये 10 मुहर्रमुल हराम जी 11 हिजरी मुताबिक 10 या 9 अक्टूबर जी सन 680 ईस्वी में जी इराक की सरजमीन पर कर्बला के मकाम पर पेश आया। ये जंग नमाज़े रसूल हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके हामियों और उनके रिश्तेदारों के एक छोटे से गिरोह हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ 72 साथी, कुछ गुलाम और 22 अहले बैत के जवान और खानदान नबवी के कुछ खवातीन और बच्चे शामिल थे जी। और उमवी जालिम हुक्मरान यजीद अव्वल की एक बड़ी फौज के माबैन हुई जो ये जंग हुई है। तो ये जालिम हुक्मरान जो यजीद है उसके साथ हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके किसी कौल व फ़ैल पर अमल करने के लिए आप तैयार ना हुए। माशाल्लाह जी। जैसे कि उसके हाथ पर बैत करना, उसकी बातों को मानना जी, अपने मजहब इस्लाम को छोड़ना जी, ये तमाम तरीके के जो जो कुछ उन्होंने कहा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सब कुछ इनकार किया। तो आखिरकार एक बहुत बड़ी फौज के साथ जी आपने जंग किया, और जंग तो कई तारीखों से हुई लेकिन आपकी शहादत जो है 10वीं मुहर्रम को, 10वीं मुहर्रम मुहर्रमुल हराम को आपकी आपको शहादत का मर्तबा मिला और शहादत पर आप फाइज हुए। जैसे कि यजीदी जो लश्कर बताया जाता है जी, तो इसको तो काफी तादाद में ये लोग थे जी, है ना, तो इसमें अहले बैत के पास कितने अफराद थे जो अहले बैत कुदसिया थे? अहले बैत के सिर्फ जो है 22 अफराद थे जी, और 72 लोग जो है आपके साथी लोग थे जी, और कुछ उसमें खवातीन थी जी, और कुछ छोटे बच्चे भी थे जी। जी, अब जैसे एक मुहर्रम अल हराम को भी हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शहादत बताया जाता है जी, तो इसके हवाले से भी कुछ आप रोशनी डाल दें। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र हम करते हैं कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 3 दिन बाद जी आप इस्लाम में दाखिल हुए जी, और आप बड़े जांबाज थे। जब आपने प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने खात्मा करना चाहा जी, और धूप की तपिश में एक मशहूर वाकया है जो आप लोग जानते होंगे कि धूप की तमाजत में हज़रत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नंगी तलवार लेकर अपने मकान से निकले जी, और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने जो है ख़त्म करना चाहा जी, इस्लाम को मिटाना चाहा जी, इसी गरज से आप घर से निकले, और रास्ते में मुलाकात हुई सहाबी रसूल से, तो पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं जी, तो बताया कि हम आज मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं खात्मा करने जा रहा हूँ, मेरा इरादा यह है जी, ताकि ये इस्लाम न बढ़ने पाए जी। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप अपने बहन और बहनोई जी को देखिए कि वो खुद जो है कलमा पढ़कर मुशर्रबा इस्लाम हो चुके हैं। इतना सुनने के बाद आप तुरंत जो है अपने बहन और बहनोई के घर तशरीफ ले गए, और वहाँ पर कई अफराद मौजूद थे जो सब कुरान अजीम की तिलावत में सब मुस्तगरक थे जी। और आप गए छुपके कुरान अजीम की तिलावत सुनने लगे, और उसके बाद जब अंदर गए जी तो आप अपने बहनोई को ज़मीन पर पटक दिया और बेतहाशा आपने मारना पीटना शुरू कर दिया,
बर्दाश्त न कर सकी आपकी बहन फातिमा जी, वो तुरंत जो है झपटी और अपने सरताज को बचाना चाहा जी। आपने उन्हें भी एक ऐसा हाथ मारा जी, जिससे आपके तारीख बताती है कि आपके कान में जो जेवर मौजूद था वो टूट जाता है और आप लहूलहान हो जाते हैं जी। जब आपको कुछ होश आता है तो आप फरमाती हैं कि मेरे भाई तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो जी। तुम मेरे साथ जितना जो चाहे सुलूक करो, लेकिन मेरे दिल से जो है जो ईमानी जज्बा मौजूद है वो खत्म नहीं कर सकते। जब ये चीज सुना जी, तो जो है फिर आपको रहम आया और फिर आपने इस्लाम कबूल किया जी। कलमे शहादत पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो गए। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने पर सिर्फ आपके साथी या हमराही को ही खुशी न मिली जी, बल्कि उनसे इस्लाम का बहुत बड़ा जो है उनसे इस्लाम के लिए बहुत कुछ मिला कि जो इबादतें छुपके की जाती थी जी, जी। वो इबादतें हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अब छुपके इबादत नहीं की जाएगी, अब बैतुल्लाह में चल के इबादत की जाएगी जी। और आपने ऐसा ही किया जी, कि इस्लाम को बड़े जोर शोर से फैलाया और उनकी बेशुमार हजरत उमर फारूक आजम के बेशुमार वाकयात मौजूद हैं जी। इनसे इस्लाम को बहुत कुछ जो है बहुत कुछ मिला इस्लाम को, जैसे मुहर्रम अल हराम का एक तारीख शहादत हुई आपको जी, आपकी शहादत मुहर्रम अल हराम की एक तारीख की तो हुई जी। जी मौला साहब, जैसे शहीद का मर्तबा तो हम लोग सुनते आए हैं जी, कि शहीद मरते नहीं है जी, शहीद जिंदा है हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे जी। तो ये शहीद का मर्तबा कुरान करीम की रोशनी में क्या बताता है? कुरान मुकद्दस के अंदर है जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला व अला इरशाद फरमाता है जी, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशुरून। इसका मतलब भी यही है कि जो लोग अल्लाह के राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा तुम न जानो, बल्कि वो लोग जिंदा हैं और उनकी जिंदगी के बारे में तुम्हें शऊर नहीं है। और दूसरे मकाम पर रब ताला फरमाता है कि जो अल्लाह के राह में जो शहीद किए गए तो शहीद जैसे दुनिया में है वैसे अपने कब्रों में है, यहां तक कि अल्लाह का दिया हो रिस्क खाते हैं, अल्लाह की जानिब से उन्हें रिस्क भी मिलता है। तो दुनिया के अंदर जो भी है मरना तो सबको है, लेकिन शहीद की जो मौत है वो इतनी अजीम शान मौत है कि एक बेवा औरत वो रश्क करती है जी, कि काश अगर मेरा सरताज शहीद है तो कल बरोज़ क़यामत मेरे सरताज का नाम लेकर के मुझे पुकारा जाएगा कि फला शहीद की बीवी जी, तो मेरा फख्र से सर ऊंचा हो जाएगा। शहीद का वो मर्तबा है। और शहीद जो शहादत के मर्तबे पर फाइज है जी, दुनिया के अंदर बेशुमार शहीद हैं, जैसे कि पेड़ की ऊंचाई से गिर के मरना जी, किसी बुलंद मकाम से गिर के मर जाना, पानी में डूब के मर जाना, या बच्चा जब औरत को विलादत होती है, बच्चा जन्मती है, बच्चे की विलादत होती है उस वक्त उसका इंतकाल हो जाना, या कोई काफी अरसे से पेट का मरीज है उसका इंतकाल हो जाना, इस तरीके से तमाम शहीद के मर्तबे फाइज हैं। ईशा के वक्त वजू करके सो जाना और रात में इंतकाल हो जाए तो शहीद का सवाब, तो शहीद का सवाब तो सबको मिलेगा तमाम उमूर जो मैंने बताया। लेकिन सारे शहीदों में हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत है, जिन्होंने खालिस अल्लाह उसके रसूल के रिजा के लिए, इस्लाम के तहफ्फुज के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम को फरोग देने के लिए आपने जामे शहादत नोश फरमाया, तो आपकी जो शहादत है वो बड़ी अजीम पैमाने पर शहादत है। और तारीख बताती है कि इमाम हुसैन जब तक कयाम में रहे, जब तक सीधे रहे,
तो कोई जालिम जो है आपको जेर ना कर सका। जब आपको नमाज का वक्त हो गया और जब आप नमाज के हालत में हुए, जब आपने सजदा किया, तो सजदे के हालत में मौका गनीमत समझ करके जालिमों ने आप पर वार किया और आपको जामे शहादत में वसफ फरमाया, आप ऐने नमाज में आपको जामे जो है आपको शहीद का मर्तबा मिला है। ये आपको शहीद आजम जो कहा जाता है, शहीद तो तमाम शहीद आजम है, लेकिन आपको शहीद आजम इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि आपने इस्लाम के तहफ्फुज़ की, कुरान के तहफ्फुज़ की है ना, तो इसीलिए आपको शहीद आजम का लक़ब मिला माशाल्लाह। अच्छा ये मौला साहब, जो यौम आशूरा 10 तारीख को जो होता है, तो ये 10 तारीख को यौम आशूरा, आशूरा नाम कैसे पड़ा इसमें? ये आशूरा अशरा से बना है जी, जैसे अरबी के जो गिनती है जी, वो अशरा का माना होता है 10 जी। और मैं आपको एक नुक्ते की बात बताऊं जी, कि करबला लफ्ज, जो करबला है जी, ये करबला के जो काफ के 20 जी और रे के 200 जी और बे के 2 जी, लाम के 30, अलिफ का 1 जी, ये पूरे आदाद जोड़ने के बाद जो कितना होता है काप के 20 और रे के 220 240 हो गए, ने 20 और रे का 220 और लाम का 30 250 और अलीफ का 1 251। अब 251 जी, ये 251 को मिलाइए तो 2 5 2 7 और 1 8 और बे का अदद होता है 2 जी और 2 10 10। तो ये लफ्ज़े जो करबला है इसके अंदर 10 पिनहा है जी, और 10 तारीख को ही हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई है जी, और ये अशरा जो बना है, ये आशूरा जो बना है अशरा से जी, इसका मतलब 10 है जी, यानी इमाम हुसैन ने जो 10वीं तारीख को जामे शहादत नोश फरमाया जी, तो इसी बुनियाद पर आप जो है आशूरा कहा गया है। अच्छा, ये आशूरे के रोज क्या क्या अमल किया जाए जो बेहतर से बेहतर हो? जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं कि आशूरे की नमाज भी है, आशूरे की दुआ भी है, रोजा रखना, या कुछ ऐसे ही नेक अमल जो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, इसमें क्या क्या है आशूरे के रोज करने वाले? अब आशूरा के दिन कोशिश कीजिए कि आपके जो इस्लाम हम तक और आप तक पहुंचा है जी, और पहुंचाने वाली अगर किसी शख्सियत का नाम है तो इमाम हुसैन की जात है जी, और उनके शहादत की मखसूस तारीख है, मखसूस तारीख होने की वजह से हम ये चाहेंगे कि सभी लोग आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें जी, रोजे से रहें जी, और आशूरे की नमाज जी, नमाफिल जी, और गरीबों की हिमायत करना, मदद करना, प्यासे को पानी पिलाना, गरीब नादार बच्चों को जूती चप्पल पहनाना, कपड़े पहनाना, अपने करीब जेल खाने में न जाने कितने लोग जेल खाने में मौजूद हैं, उनकी रहनुमाई करना, किसी बेवा यतीम के घरों पे जाके उसकी हिमायत करना जी, ये तमाम जो नेक अमल हैं, अगर आपने एक यतीम के हाथ पर, सर पर अगर आपने हाथ फेर दिया जी, तो इंशाल्लाह जिसके आपके हाथ के नीचे उस यतीम के सर पर जितने बाल होंगे जी, और आपके हाथ के नीचे आएंगे, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने हबीब के सदके में हर बाल के वजह एक नेकी अता फरमाएगा जी, तो बेशुमार नेकी आपके नामे आमाल में दर्ज होंगी जी, और वही आखरत के लिए जो है आपके नजात के लिए सबब भी बनेगा, इसलिए हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नेक अमल किया जाए। जैसे कि रोजा केवल 10 तारीख को ही रखा जाए कि इसमें कुछ और भी है? वैसे तो जिलहिज्जा जो अरबी महीने का जो आखिरी महीना है, जिलहिज्जे के आखिरी महीने यानी आखिरी तारीख में अगर आप रोजा रखते हैं जी, और मुहर्रम की पहली तारीख को रोजा रखते हैं, तो इससे ये होगा कि आपका नामे आमाल का जो मदनी रजिस्टर है जी, जब वो रजिस्टर का आखिरी जो है पेज होगा, आखिरी दिन होगा साल का आखिरी दिन जी, तो जब आपका नाम लिखा जाएगा वहां पर आप रोजे से होंगे जी, और महीने की जब शुरुआत मुहर्रम की पहली तारीख को होगी जी,
फिर आप रोजे से होंगे तो आपकी जो शुरुआत होगी जी वो इंशाल्लाह रोजे से होगी। इसलिए हम चाहेंगे कि ज़िलहिज्जा के आखिरी दिन भी आप रोजा रखें जी, और मुहर्रम की पहली तारीख को भी रोजा रखें, और कोशिश करें अगर हो सकता है तो, ये फर्ज रोजा तो नहीं है, हालांकि बाज ने कहा है जी कि जब रमजान शरीफ का रोजा फर्ज जब तक नहीं हुआ था जी तो बाज के नजदीक ये आशूरे का रोजा भी फर्ज था। अच्छा, लेकिन ये रोजा फर्ज नहीं है, नवाफिल है, अगर आप करेंगे तो आपको बेबहा फैज मिलेगा, और अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको कोई एताब कोई गुनाह आपको नहीं होगा। लेकिन कोशिश करिए कि आप पूरे 10 दिन रोजा रखिए जी, और नहीं हो सकता है तो 9वीं 10वीं को रखिए, 9-10 को ही देखा जाता है तो 9-10 को ठीक है, इसमें बेहतर अमल। और ये जो देखा गया है कि लंगर लगाना, ये खिचड़े वगैरह पकवाना, ये सब जो होते हैं, तो इसका क्या न्याज दिलाते हैं, इसका क्या कुछ बहुत अच्छी बात है कि इमाम हुसैन के अकीदत में, उनकी मोहब्बत में, गुराबा में जितना भी खाना तकसीम किया जाए, जितना भी कुछ खिलाया जाए, सबील पिलाया जाए, दूध पानी पिलाया जाए गरीबों को के लिए, अब अपनी नीयत पर, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। अब आप फी सबीलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप करें ताकि आपको फैज मिले, सिर्फ दुनिया को दिखावे के लिए रोड पर खाना बना के रखना, लोगों को बुलाना, हर अमीर व गरीब, हर कसो नाकस एक लंगर है, कोई भी खाए, तो अगर आपकी नीयत अगर दुरुस्त है, आप इमाम हुसैन की मोहब्बत में कर रहे हैं कि जो गरीब नादार लोग हैं वो भी खाएं, अमीर भी खाएं जी, ये इमाम हुसैन का सदका है, कोई भी खा सकता है, तो इंशाल्लाह आपको बेबहा फैज मिलेगा। जो ये सबील वगैरह पिलाते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं, खास इस मुहर्रम अल-हराम के मौके पर ही, और इसको जो कहते हैं कि नजरे हुसैन कोई प्यासा न जाए जी, तो इसको क्यों कहते हैं नजरे हुसैन कोई प्यासा न जाए? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश फरमाया था, तो पानी का यह मामला था कि 3-3 दिन गुजर गए, पानी का एक कतरा भी आपके साथियों को न मिला था जी, इसलिए उस मखसूस तारीख में जी कि कोई अपना भाई, कोई अपना पड़ोसी या कोई सफीर आज की तारीख में प्यासा न रहे, ये सोचकर लोग लंगर उठाते हैं, सबील पिलाते हैं। इसके अलावा ये नियत हमेशा के लिए अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हमको और आपको सबको हमेशा के लिए ये काम करने की तौफीक अता फरमाए कि अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी फौरन पिलाया जाए, कोई भूखा है तो उसे जितना हो सके अपने से मदद की जाए, उसे खाना खिलाया जाए, कोई आपके पड़ोस में है कोई भूखा ना सो जाए, तो जो ये हुक्म है वो हमेशा के लिए है, सिर्फ ये 10वीं तारीख के ही लिए नहीं है जी, बल्कि हमेशा आपको ऐसे ही करना है कि कभी भी कोई गरीब आपके दरवाजे पर आ जाए तो खाली हाथ ना जाए। माशाल्लाह, ये आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा हम लोग सुनते आ रहे हैं उलमाए कराम से कि मैं कुरान मजीद और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ जी जी, तो इसको थामे रहो फला पा जाओगे जी, तो इसमें क्या गहराइयां हैं, क्या हकीकत हैं, थोड़ा सा इस पर रोशनी आप डाल दें, रहनुमाई फरमा दें। अब यह है कि कुरान मुकद्दस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुई किताब कुरान मजीद जी, ये एक ऐसी मुदल्लल, ऐसी मुफस्सल, ऐसी मुस्तहकम किताब है कि जिसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं बची है जिसके अंदर, जो उसके अंदर जिक्र ना हो, जैसे कि अपने नेपाल का संविधान है जी, ऐसे अपने इस्लाम का एक जो है एक जखीरा, एक इस्लाम के अंदर हमें कैसे जिंदगी गुजारना है, कैसे चलना है, सब कुछ कुरान अजीम के अंदर मौजूद है, और वो इस्लाम का एक संविधान है जिस पे सबको अमल करना है जी। अगर किसी ने कुरान मुकद्दस के एक जबर जेर को भी अगर गलत समझ लिया जी तो काफिर हो जाएगा, ईमान से निकल जाएगा, खारिज हो जाएगा। इसलिए ये बड़ी मुस्तहकम अपने इस्लामिक धर्म की किताब, कुरान मुकद्दस के अलावा भी और किताबें थी, तौरात, जबूर, इंजील,
लेकिन वो और तमाम जो है और भी इसके अलावा सहीफे थे जी, लेकिन सब मनसूख हो गए, सिर्फ कुरान अजीम मौजूद है जी, लेकिन तौरेत भी कुरान में है जी। ये ऐसी किताब है जो जबूर भी कुरान में है, इंजील भी कुरान में है, सहीफे भी कुरान में है। कुरान एक मुस्तहकम किताब है जो इसके अंदर सब कुछ मौजूद है जी जी जी। अहले बैत के हवाले और अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे खानदान से जो मेरे अहले बैत हैं ये कुरान है, इन दो चीज़ों को हम छोड़ रहे हैं। जिसने अहले बैत से मोहब्बत किया और मेरे दी हुई इस किताब पर जिसने अमल कर लिया, वो इंशाल्लाह दुनिया में भी साथ रहेगा और आखिरत में भी इंशाल्लाह वो आबाद रहेगा। इसलिए जो है हमें अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत भी करना चाहिए और कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे अहले बैत को तकलीफ हो जी। जैसे कि पंजतन पाक जी, तो ये पंजतन क्यों, क्या है पंजतन? ये पांच लोग, पंज का माना होता है पांच जी, तो पंजतन जो पांच तन हैं जी, तो इन्हें पंजतन कहा जाता है, जिसमें सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं और जो है आपके हजरत फातिमा जहरा हैं, हसन हुसैन हैं, हजरत अली हैं, ये पंजतन पाक में जी। तो ये ऐसी शख्सियत हैं जिनको जो है पंजतन पाक कहा जाता है जी। मुल्ला साहब, अब ये प्रोग्राम के अख्तिताम पे हम लोग हैं जी, तो मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो जामे शहादत हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो नौश फरमाई, ये यकीनन नमाज को बचाने के लिए थी, इस्लाम को बचाने के लिए थी जी। तो आप आज के मुआशरे को इस जो नमाज के लिए आपने शहादत का जाम पी लिया, तो इस नमाज के हवाले से और नेक अमलियात के हवाले से क्या दर्श देना चाहेंगे आखिर में? जी, हम दर्श ये देना चाहेंगे कि ये नमाज अहमुल इबादत है जी, जो बुनियल इस्लाम आला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर है, तो उसमें नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, तौहीद भी है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उन पांच चीज़ों में जी जो अहम इबादत जी, अफजल तरीन इबादत जी, ये नमाज है जी। और नमाज अगर आदमी बीमार हो जाए तो जब तक आदमी इशारे पर कादिर रहेगा जी, इशारे पर जब तक कादिर रहेगा तब तक वो नमाज उसे पढ़नी है, माफ नहीं है जी। हाँ, औरत है जो उसे महीने में जो हैजा होती है या बच्चे के विलादत में जो इस्तेहाजा होता है, जो औरत नापाक रहती है, तो अगर उस अय्याम में हैज या इस्तेहाजा या नफास अगर इस अय्याम के अंदर रोज़ा होता है जी, तो रोज़े का कज़ा है जी। लेकिन नमाज अब हर महीने में औरत को ज़रूरत पड़ती है, नापाक रहती है, तो शरीयत ने औरत के लिए छूट दिया है जी कि वो नमाज की कज़ा नहीं करेगी, बाकी मर्द के लिए कोई भी दिन छूट नहीं है। तो ये पैगाम आप देना चाहेंगे कि हाँ, हर आदमी को नमाज ज़रूरी है जी। ये यही शहीदाने कर्बला का हमारे लिए दर्स है जी, बिल्कुल जी। मुना साहब, आपने हमें वक्त दिया, इतनी मसरूफियत के बावजूद भी हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी नेपाल टेलीविज़न का कि जिन्होंने हमें मदऊ किया और हमें ये सुनहरा मौका मिला जिसे हमारी जो बातें हैं, इस्लाम की तबलीग है, पैगाम हक है, ये हमारे तमाम आवाम व खवास के दरमियान ये बात पहुँचे, इसके लिए हम तहे दिल से टेलीविज़न जी नेपाल का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर फिर उन्होंने याद किया तो इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दर्शक बिन तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल HD टेलिभिजन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मदीना नुरी मस्जिदका प्रमुख
मौलाना मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी साहब हामीले उहाँसँग मुहर्रम को महीना में केन्द्रित रही हामीले केही कुराकानी गर्यौं। आउँदो साता नया व्यक्ति र नया विषय लिएर हामी उपस्थित हुने छौं। हेर्दै गर्नु होला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन कार्यक्रम पैगाम ए मुस्लिम साता को शुक्रवार 4:30 देखि 5 बजे सम्म र पुनः प्रसारण शनिवार 5:30 देखि 6 बजे सम्म हेर्न सक्नुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन मा। म कार्यक्रम प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक बिदा चाहन्छु। मनोरञ्जन र समाचार को लागि हेर्दै गर्नु होला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हवस् त धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। एसडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै।